हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस अल्फा सीरीज़ में बच्चों, हम लोग जा रहे हैं फ्रूट पढ़ने के लिए। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रूट तक। तो चलो फ्रूट डिस्कस करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग फ्रूट पे। फ्रूट क्या होता है? देखो, अभी तक हम लोगों ने रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया, फ्लावर पढ़ा। फ्लावर में हम लोगों ने एंडोशियम, गायनोशियम, ये सारे पार्ट्स पढ़ा था, ठीक है। तो एक चीज़ एकदम मोटा माटी ये जानो पहले तो, कि जो फ्लावर है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में, फ्लावरिंग प्लांट में, वही फ्लावर जो है आगे चल के फ्रूट और सीड बनाता है। एकदम कंफर्म है, फ्रूट एंड सीड बनाता है। तो अब अगर हमें फ्रूट को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रूट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, एक। और दूसरा कि जो फ्रूट है ये क्या होता है, ये मैच्योर और राइपेंड ओवरी, मतलब जब ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशंस, यही क्या होता है, मैच्योर होके क्या बना लेता है, फ्रूट बना लेता है, ठीक है। तो इट इज़ मैच्योर और राइपेंड ओवरी विच डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा और गौर करना चाहें तो देखो, ये है एक आपका गाइनोशियम, मतलब एक सिंगल कार्पल है। ये क्या है, एक सिंगल कार्पल है, और एक सिंगल कार्पल में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीन पार्ट होता है। ये जो ओवरी है बच्चा लोग, यही ओवरी जो है ना, यही बच्चे आपका फ्रूट में डेवलप हो जाता है। और इस ओवरी का ओवरी वाल जो है, ये आपका फ्रूट वाल बनाता है। फ्रूट वाल को याद रखना, बहुत बार यूज होने वाला है आगे। अब पेरिकार्प, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्प कहते हैं। तो पेरिकार्प में डेवलप हो जाता है फ्रूट वाल या पेरिकार्प। तो ओवरी फ्रूट में, ओवरी का वाल पेरिकार्प में, और एक और अंदर स्ट्रक्चर होता है। इस ओवरी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ये है ओव्यूल। ओव्यूल को थोड़ा जब सीड पढ़ाऊंगा तो मैं और अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो ये ओव्यूल जो है आगे चल के सीड में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लावर से ही क्या होता है, फ्रूट और सीड, ये दोनों चीज़ें फ्लावर से ही बनता है। ओवरी का जो वाल है ये तीन लेयर होता है टोटल। अब इस तीन लेयर में क्या हो गया, आउटर, मिडिल और इनर। यही आगे चल के फ्रूट वाल जब बनता है तो फ्रूट वाल में ईपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प में डेवलप हो जाता है। ईपी मतलब आउटर फ्रूट वाल, मेजो मतलब, मेजोकार्प मतलब मिडिल, और इंडोकार्प मतलब इनर वाल जो होता है फ्रूट का, वो हो गया इंडोकार्प में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसी चीज़ को मैं देखो कितना एम्फेसाइज करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्पल में जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है, और ओवरी जो है ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो जैसे ये कोई एंजियोस्पर्मिक फैमिली का फ्लावर अगर हम ले लेते हैं, तो इस फ्लावर का यही वाला पार्ट है ना, गायनोशियम वाला जो पार्ट होता है, देखो यही गायनोशियम किस में डेवलप हो जाता है, आपका फ्रूट में डेवलप हो जाता है, जैसे कि ये एप्पल में डेवलप हो गया है, ठीक। नेक्स्ट बच्चों, हम अगर देखते हैं टाइप ऑफ फ्रूट, तो टाइप ऑफ फ्रूट्स को हम लोग दो तीन तरीके से डिवाइड करेंगे। जैसे सिंपली ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस, फॉर्मेशन के बेसिस पे, और प्लस इसमें फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है, और भी इसमें पैरामीटर हम जोड़ सकते हैं कि इसमें ओवरी जो फर्टिलाइजेशन के लिए, ओवरी जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो किस तरह का ओवरी है। तो हम लोग इस तरह से फ्रूट को ब्रॉडली तीन ग्रुप में बांटते, एक हो गया आपका ट्रू फ्रूट, दूसरा हो गया फॉल्स फ्रूट, तीसरा हो गया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्थेनोकार्पिक और कन्फ्यूज़न वाला भी है। ट्रू फ्रूट का मतलब हो गया यूकार्प, ओके, और फॉल्स फ्रूट का मतलब हो गया स्यूडोकार्प, स्यूडोकार्प, और पार्थेनोकार्पिक के लिए हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यूज़ ही कर रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लफड़ा है। तो पहले हम लोग ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स के बारे में देखते हैं। तो ट्रू फ्रूट्स जो है उसमें बच्चों, अभी तक जैसा मैंने बताया कि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप हो जाता है, एकदम सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे फ्रूट विल डेवलप फ्रॉम द सुपीरियर ओवरी आफ्टर
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशंस के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। और यहाँ पे जो ओवरी है वो कैसा है, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी के लिए सिंबल ही वाला था, सुपीरियर ओवरी पार्टिसिपेट करा। फॉल्स फ्रूट के केसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रूट डेवलप हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट इसमें किस तरह का ओवरी पार्टिसिपेट करा है, इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी के लिए सिंबल ये बनाया था, इन्फीरियर ओवरी पार्टिसिपेट करा है, और ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप होता है, मतलब यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बट एक पार्थेनोकार्पिक जो जैसा देखा हम लोगों ने, तो पार्थेनोकार्पिक में यहाँ पे भी क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का होता है अपशेंट होता है। तो अगर एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, और जो भी चीज़ें डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोजोम अगर है साथ में तो इसमें सीड प्रेजेंट होगा, तो इसमें भी फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं था तो सीड नहीं होता है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है उसमें सीड नहीं होता है, जैसे बनाना जब भी हम खाते तो उसमें सीड नहीं रहता है, लेकिन कुछ अगर लोकल बनाना वगैरह मिल जाए आपको तो उसमें सीड मिलता है। ओके, ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंगो, कोकोनट, और भी आगे हम लोग जब टाइप ऑफ फ्रूट्स देखेंगे तो उसमें भी और आएगा, तो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कि ये ट्रू फ्रूट है या फॉल्स फ्रूट है, और थोड़ा इस बात पे आप भी गौर करना, ठीक है। एनीवे, फॉल्स फ्रूट में एक एडिशनल चीज़ और जोड़ देना है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ओभरी के साथ अदर जो फ्लोरल पार्ट है दैट ऑल्सो इन्वॉल्व, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट में फ्रूट डेवलप होता है ओभरी से, ठीक है, और अदर पार्ट क्या हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है, बट ये ध्यान रखना, बट क्या होगा, अगर मान लो क्या हुआ कि थैलमस या पेडिसल्स या अदर कोई भी पार्ट फ्लावर का दैट कंट्रीब्यूट फॉर फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है, भागीदारी है, तो सच काइंड ऑफ फ्रूट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे ये देखो, ये काजू नट, मतलब काजू का पेड़ का ये फ्रूट है, तो बेसिकली फ्रूट, एक्चुअल फ्रूट तो ये वाला है, इसी के अंदर से काजू निकलता है, और ये क्या था, ये तो फ्रूट का जो पेडिसल्स था, पेडंकल, पेडिसल्स, पेडंकल्स, तो ये वाला पार्ट है पेडिसल, और जो कि स्वेल हो गया और एक फ्रूट का शेप ले चुका है, तो ये फॉल्स फ्रूट है। तो यहाँ पे देखो, जैसे एप्पल अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल, एप्पल में थैलमस, मतलब अदर फ्लोरल पार्ट में थैलमस पार्टिसिपेट करता है फ्रूट बनाने के लिए, कैजोनट में पेडंकल जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है फ्रूट बनाने के लिए, जैसा कि ये डायग्राम दिखाया मैंने, तो ये पेडंकल है, और पेडंकल ही क्या बन गया है, पेडंकल ही फ्रूट में डेवलप हो चुका है। ओके, और दूसरा ये एप्पल जो दिख रहा है, आगे देखेंगे और बताऊंगा, तो एप्पल में भी थैलमस, ये थैलमस पार्ट फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट करता है, उसी तरह से ये स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी में भी जो मेन फ्रूट जो खाते हैं हम लोग, वो भी क्या होता है, थैलमस का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये फॉल्स फ्रूट के श्रेणी में आ जाएगा, कैटेगरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हो गया, एप्पल एंड कैजोनट, और स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। इसके अलावा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है, इसमें एग्जांपल है बनाना, जो कि नेचुरली पार्थेनोकार्पिक होता है, बट अगर हम चाहें तो जैसे ऑक्सिन या जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड बच्चों, ये जब हम लोग प्लांट ग्रोथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हार्मोन है, इन हार्मोन के बारे में डिटेल में देख लेंगे, अभी फिलहाल इतना याद कर लो कि ये ऑक्सिन है और जिबलिन, इसको आर्टिफिशियली यूज़ किया जाता है टू इंड्यूस द पार्थेनोकार्प, मतलब अगर हम चाहें तो ये हार्मोन को यूज़ करके हम फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में चेंज करवा सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि उस फ्रूट में सीड नहीं मिलेगा, और सीड नहीं होगा तो अच्छा है, जैसे मान लो अंगूर है, अंगूर में सीड होगा तो मज़ा नहीं आएगा खाने में ना, तो उसका बिक्री भी कम होगा, बट ऐसा अंगूर जिसमें सीड नहीं है, तो हम लोगों को जो मार्केट में अंगूर दिखता है ना, उसमें सीड नहीं होता है, तो एक्चुअली में जो किसान अंगूर उगाते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सिन जिबलिक एसिड का एप्लीकेशन करके उसको क्या बना देते हैं, पार्थेनोकार्पिक बना देते हैं, जिसके वजह से उसमें सीड नहीं रहता है, तो खाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये था ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक में यहाँ पे बनाना, जैसे हम लोगों ने देखा था है ना, बनाना देखा था, और यहाँ पे क्या याद रखना है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये होता है तुम्हारा, डेवलप होता है तुम्हारा।
तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनता है, और पार्थेनोकार्प इस फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पी, समझ रहे हैं ना, फ्रूट को इस प्रोसेस को कहा जाता है ना। और एग्जाम्पल में बनाना देखा ही हम लोगों ने, क्लियर है यहाँ तक। अब ये मैं दूसरे तरीके से फिर से फ्रूट को क्लासिफाई कर देता हूँ, बट ये भी किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस। बट यहाँ पे फॉर्मेशंस में एक सिंगल फ्लावर पार्टिसिपेट कर रहा है, या एग्रीगेट ऑफ फ्लावर पार्टिसिपेट कर रहा है, या पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बेसिस पे फ्रूट को हम लोग फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं एज ए सिंपल फ्रूट, एज ए एग्रीगेट फ्रूट एंड एज ए कंपोजिट फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट में क्या होता है बच्चों, ये आपका सिंगल फ्लावर होता है। क्या होता है, सिंगल फ्लावर, सिनकार्पस गाइनेशियम के थ्रू ये बनता है। मतलब सिंगल फ्लावर है, लेकिन एक फ्लावर में हो सकता है कि एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कार्पल होगा भी, मान लो 2, 4, 5, 10, 12 कार्पल हैं, तो वो सारे कार्पल फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूजन को क्या बोलते हैं, पीछे ऑलरेडी बताया था, सोच लो, देखो सोचना क्या है बच्चे, ये तो सामने ही लिखा हुआ है, सिनकार्पस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। तो इसमें क्या है, मोर देन वन अगर कार्पल है तो उसको पॉलीकार्पस, और फ्यूज हो गया तो उसको सिनकार्पस हम लोग कहते हैं। तो ये सिनकार्पस वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सिनकार्पस फ्लावर या सिंगल फ्लावर जो है, उससे अगर फ्रूट डेवलप होता है तो दैट काइंड ऑफ फ्रूट इज नोन एज सिंपल फ्रूट। और अगर मान लो क्या हो गया कि एग्रीगेट फ्रूट में सिंगल फ्लावर है, और सिंगल फ्लावर में एक से ज़्यादा क्या है आपका, कार्पल है, लेकिन ये कार्पल जो है ना फ्यूज नहीं होता, अलग अलग है, तो यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन है। ठीक है, तो एपोकार्पस कंडीशन यहाँ पे हमें मिलेगा, और सच फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं। मतलब एग्रीगेट फ्रूट विल फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगल फ्लावर, बट दैट फ्लावर हैव मोर देन वन कार्पल, और दीज ऑल कार्पन आर नॉट फ्यूज, दे आर फ्री। और फ्री कंडीशंस को क्या कहते हैं हम लोग, एपोकार्पस कहते हैं। तो इस तरह के फ्लावर से जब फ्रूट बनता है तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। उसी तरह से कंपाउंड फ्रूट, तो कंपाउंड फ्रूट में यहाँ पे इंटायर इन्फ्लोरेसेंस, तो इंटायर इन्फ्लोरेसेंस में बच्चों जैसे आपका पेडेंकल, पेडिसल, ब्रैक्ट, फ्लावर, उसका कैलेक्स, कोरोला, एवरीथिंग विल फॉर्म द फ्रूट। दैट काइंड ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड द कंपाउंड फ्रूट कहते हैं। इसको लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल फ्रूट को थोड़ा और कैटेगराइज करते हैं। तो सिंपल फ्रूट्स को हम लोग ब्रॉडली दो ग्रुप में बांट सकते हैं, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। ये वाला ड्राई फ्रूट नहीं है, काजू किशमिश जो हम लोग कहते हैं ना, गड़ी छोड़ा काजू किशमिश, ये वाला ड्राई फ्रूट्स नहीं है। ठीक है, जैसे आलमंड, तो आलमंड हमें लगता है कि ड्राई फ्रूट है, बट दैट्स अ फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो तो हम लोग घरेलू भाषा में यूज़ कर लेते हैं ड्राई फ्रूट, ओके। बट इन बॉटनी ड्राई फ्रूट्स का मीनिंग जो है वो अलग है। तो ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट्स को आगे हम लोग डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें समझा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन सबसे पॉइंट है वो है इसका पेरिकार्प। अगर मान लो क्या होता है, फ्लैसी और डिफरेंशिएटेड होता है। डिफरेंशिएशन किस में, तो डिफरेंशिएशन होता है ईपी कार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प में। तो सच काइंड ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड द फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। बट अगर मान लो पेरिकार्प फ्रूट का जो वाल है अनडिफरेंशिएटेड है प्लस ड्राई होता है, तो सच काइंड ऑफ फ्रूट को कहते हैं ड्राई फ्रूट कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ड्राई फ्रूट कहेंगे। समझ में आ रही बात। ड्राई फ्रूट्स को फर्दर हम लोग डेहिसेंस, इनडेहिसेंस और साइजोकार्पिक में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डेहिसेंस का मतलब कि जब फ्रूट मैच्योर होगा तो मैच्योरेशन के बाद वो फट जाता है, तो डेहिसेंस। इनडेहिसेंस मतलब अगर नहीं स्प्लिट होता, नहीं फटता है, तो इनडेहिसेंस। और साइजोकार्पिक में क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट स्प्लिट होता है, फर्दर उसमें स्प्लिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो सच काइंड ऑफ फ्रूट को बोलते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। हालांकि देखो बच्चों, आप क्या एनसीईआरटी में ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में ना फ्रूट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरा बॉटनी कवर करना है, ना कि सिर्फ 11th कवर करना है। क्लास 12th में भी कुछ चीज़ें मिलेगा और यहाँ पे भी पढ़ते पढ़ते मिलेगा, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा फ्रूट को डिटेल में लेके जा रहा हूँ। तो घबराओ मत बच्चों, यकीन करो मुझ पे, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहा हूँ। तो इसकी चिंता मत करो, दूसरे लोगों से कंपेयर मत करो, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उस पर यकीन रखो। यू आर बेस्ट,
आई एम ऑल्सो बेस्ट, ठीक है? तो हम लोग दोनों बेस्ट बेस्ट मिलेंगे तो सुपर बेस्ट होगा, ठीक है? तो इसकी चिंता मत करना, पढ़ते रहना है, ठीक है? बाकी अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहो, ये कहीं ना कहीं काम आएगा, 100% काम आएगा, ठीक है? एनीवे, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा और अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो फ्रूट में अगर पेरिकार, जो फ्रूट वाले, अगर फ्लैशी है तो फ्लैशी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है, यही ड्राई होता है और अनडिफ्रेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? तो डिफरेंशिएशन होता है, देखो, ईपी कार्प, मेजो कार्प और इंडो कार्प। जैसे ये देख लो, यहाँ पे आम तो खाया होगा, सबने खाया होगा। यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो फ्रूट में ये जो चीज़ें दिख रही हैं वो सब क्या है। तो देखो, आम का जो छिलका होता है वो है ईपी कार्प। छिलका मतलब वो ग्रीन कलर का, या हो सकता है पकने के बाद थोड़ा एलोइस हो जाए, तो वो होता है ईपी कार्प। और जिस पोर्शन को हम लोग खाते हैं, ये वाला पल्पी पार्ट, इसको कहा जाता है मेजो कार्प। और जब हम खाते हैं तो आंठी मिलता है ना, सीड आता है, उसको हम लोग चूसते हैं, फिर चूसने के बाद एक हार्ड कवर होता है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। तो ये जो हार्ड कवर है ये भी पार्ट है किसका, फ्रूट वाल का, दैट इज एंडोकार्प। और ये क्या होता है, हार्ड होता है। तो इसके बेसिस पे फर्दर हम फ्रूट का टाइप बढ़ेंगे। इस हार्ड कवर को अगर तोड़ के, फाड़ के, काट के अगर निकालोगे तो इसके अंदर से इस तरह से सीड मिलेगा, इस तरह से सीड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब ये सीड है और ये सारे तीनों पार्ट जो लेयर है ये फ्रूट का पार्ट होता है तुम्हारा। ये सब क्या है, फ्रूट का पार्ट होता है, क्लियर है? तो उसी बात को बार बार कहा जाता है कि अगर पेरिकार्प मतलब फ्रूट वाल डिफरेंशिएटेड है आउटर इपिकार्प में, मिडिल मेजोकार्प में, इनर एंडोकार्प में, तो देन सच काइंड ऑफ फ्रूट को क्या कहेंगे, फ्लैशी फ्रूट कहेंगे। ड्राई फ्रूट में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएटेड इन ईपी मेजो और इंडोकार्प में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। यहाँ पे बस ये ईपी कार्प कैसा होता है, जैसे दिख रहा है ना, ड्राई होता है। तो ड्राई होने के बाद ये स्प्लिट हो सकता है, फट सकता है, नहीं भी फट सकता है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग ड्राई फ्रूट्स को फर्दर डेहसेंस, इनडेहसेंस और साइजोकार्पिक में डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे फर्दर, जो सिंपल फ्रूट था, सिंपल फ्रूट में हम लोगों ने फ्लैसी बनाया था, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सिंपल फ्लैसी फ्रूट है, इसको फर्दर हम लोग बच्चे 5 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो तो मैं अपने सहूलियत के लिए, उसे तो 10 भी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। तो एक है ड्रुप है, एक बेरी है, हस्पेरिडियम है, पेपो है, पॉम है, ठीक है? अगर मान लो तुम किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर अपना कोई एक स्टैंडर्ड बुक अगर उठा के देखोगे, जैसे ट्रूमैन है या एबीसी बायोलॉजी है, तो इसमें आपको बहुत टाइप ऑफ फ्रूट मिलेगा। तो बट उसमें मैंने खास तौर पे ये कुछ 5 को ही सेलेक्ट करके रखा है, क्योंकि मैंने बोला ना मैं बहुत ही लिमिटेड पढ़ाऊंगा, भले एनसीईआरटी से बाहर चले लेकिन इसमें भी लिमिटेशन डाल के रखा है, ताकि हमारा क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से छूटे नहीं, है ना, किसी भी पॉइंट से छूटे नहीं, इस वजह से इसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्रुप। तो ड्रुप में यहाँ पे एक ही बात याद रखना है कि इसमें क्या होता है, स्टोनी इंडोकार्प, इंडोकार्प मतलब ईपी मेजो और इंडो। तो इंडो जो होता है, इंडोकार्प जो होता है, ये कैसा होता है, स्टोनी होता है, हार्ड होता है तुम्हारा, ठीक है? ये वन सीडेड होता है, ड्रुप जो भी होगा हमेशा क्या मिलेगा, वन सीडेड ही मिलता है तुम्हारा। और ये वाले जरूरी नहीं है, इसको याद करना चाहो कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। जैसे मोनोकार्पेलरी और सुपीरियर ओवरी, तो अगर सुपीरियर ओवरी मतलब ये ट्रू फ्रूट है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल में मैंगो, कोकोनट, ये दो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, ठीक है? और ड्रुप वर्ड भी मेंशन किया गया है। उसके अलावा इसमें देखो, वालनट, पीच, प्लम एंड आलमंड, अगर हम देखें इस दोनों को, वालनट और आलमंड, तो वैसे तो ये दोनों क्या दिखते हैं, ये तो ड्राई फ्रूट दिखते हैं ना, लेकिन ये ड्राई फ्रूट नहीं है, ये क्या है, फ्लैसी फ्रूट है। क्या है, फ्लैसी फ्रूट है। ओके, चलो अब थोड़ा और गौर करते हैं। तो ये मैंगो का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। तो मैंगो का छिलका, इपिकार्प, एडिबल पार्ट जो होता है मेजोकार्प, ये हो गया इंडोकार्प, और उसके बीच में यहाँ पे सीड प्रेजेंट होता है। उसी तरह से कोकोनट, तो एक्चुअली में कोकोनट जो है उसमें ये इस तरह से बड़ा वाला, तो इसको नहीं डाव बोला जाता है, पता नहीं सुना होगा कि नहीं, डाब होता है। तो बाहर से ये ग्रीन कलर का दिखता है और अंदर ये वाला जो पार्ट है ना वो ये बनाया गया, ये वाला पोर्शंस, ठीक है? इनके बीच में यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक फाइबरस स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या होता है, फाइबरस स्क्वायर,
क्वायर होता है, ये सब क्वायर है। फाइबरस मटेरियल होता है जिसका ना एक सोफा वोफा बनता है, इसी से बनता है। तो देखो यहाँ पे सबसे बाहर वाला आउटर वाला जो लेयर हो गया वो आपका ईपीकार्प, बीच वाला जो फाइबरस पार्ट होता है ये मेजोकार्प, मेजोकार्प ये क्या होता है, फाइबरस होता है, फाइबरस। और इसी को क्या बोलते हैं, मेजोकार्प को ही क्या बोलते हैं, क्वायर कहते हैं, COIR, क्वायर। इसी से सोफा बनता है। फिर इसको अगर हम हटा देते हैं, ईपी और मेजो को हटा देते हैं, तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मिलता है, जिसको हम लोग मंदिर में नहीं नारियल फोड़ के हम लोग चढ़ाते हैं पूजा के लिए, तो ये वो वाला पोर्शन है। तो ये बेसिकली जो हार्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है इंडोकार्प है। कैसा है, दैट्स इंडो कार्प। और अभी बताएं एंडोकार्प कैसा होना चाहिए, स्टोनी होना चाहिए। तो स्टोनी होता है, जब इसको तोड़ते हैं तब इसमें से नारियल निकलता है। और नारियल जो है ना ये वाला पोर्शन जिसको खाते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है इंडो स्पर्म होता है। क्या होता है, इंडो स्पर्म होता है तुम्हारा। तो इंडोस्पर्म्स एम्ब्रियो में डेवलप होता है, मतलब तेरा क्या कह सकते हो, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के अंदर डेवलप होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंडो स्पर्म्स होता है, क्लियर है। तो कोकोनट भी क्या हो गया, ड्रुप होता है। और इसमें जो मेजोकार्प क्या होता है, फाइबरस होता है। बाकी इसमें मैंगो में बता ही दिया कि किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है, ईपीकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प। तो इसमें ईडेबल पार्ट अगर पूछता है तो इसमें ईडेबल पार्ट होता है मेजोकार्प, और अगर कोकोनट में ईडेबल पार्ट पूछता है तो ईडेबल पार्ट होता है तुम्हारा एंडोस्पर्म होता है, जिसको हम लोग खा सकते हैं। इसका तेल ओल निकाला जाता है, नारियल का बुरादा बना के लड्डू उड्डू बनाया जाता है, मल्टीपर्पस फ्रूट है ये। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा जो था बेरी। तो बेरी में बस इतना रखना है कि यहाँ पे मेजो और एंडो जो होता है ये फ्यूज हो जाता है और पल्पी होता है, पल्प की होता है। और उसी के अंदर जो सीड होता है हार्ड सीड वो धंसा हुआ रहता है, उसके अंदर एम्बेडेड होता है। और ये आपका बाई कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी कंडीशन होता है, सिनकार्पस गाइनोशियम के वजह से बनता है। जैसे एग्जाम्पल है ग्वाभा, बनाना, चिली, मिर्ची जो हो गया, ब्रिंजल, बैगन, ग्रेप्स, अंगूर, टमाटो, टमाटर है ना। तो टमाटोज वगैरह में इस तरह से देखोगे तो ये जो प्लेसेंटल पार्ट है और ये फ्लैशी एंड होता है, इसी में आपका जैसे यहाँ ग्वाभा में भी दिखता है। तो ये जो हम लोग खाते हैं ये सब मेजोकार्प बेसिकली होता है, जो कि फ्लैशी होता है, पल्पी होता है, और इसी के अंदर ये सीड धंसा हुआ रहता है, एक एक दो दो सीड। सेम अंगूर के अंदर होता है, तो अगर अंगूर में सीड वाला अंगूर दिखेगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन हम लोग जो खाते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अप्लाई करके इसको सीडलेस बनाया जाता है। तो दैट्स अ बेरी। उसके बाद आ जाओ पैपो, ये थर्ड है। तो पैपो में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे थैलमस, थैलमस प्लस ईपी कार्प, ठीक है, ईपी कार्प ये फ्यूज करके यहाँ पे रिंड बनाता है। रिंड क्या होता है, RIND, रिंड, रिंड अजीब सा नाम लग रहा है ना भाई। रिंड होता है ये छिलका जो होता है, खीरे का जो छिलका होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, छिलका उतार के फिर हम लोग खाते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिंड। तो इस रिंड में थैलमस और इपिकार्प दोनों फ्यूज कंडीशन में होता है। एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, क्यूकम्बर होता है तुम्हारा। तो इसमें खाते कौन से, उसको खाते हैं मेजोकार्प क्या होता है, फ्लैशी होता है, और इंडोकार्प भी क्या होता है, फ्लैशी एंड स्मूथ होता है, इसी के साथ सीड अटैच रहता है। तो इन दोनों को मिला के हम खा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तेरा फोर्थ है हस्पेरिडियम। तो हस्पेरिडियम में यहाँ पे जो छिलका होता है वो थोड़ा सा लेदरी हो जाता है, हार्ड। तो दैट्स कैरेक्टराइज बाय द लेदरी एपिकार्प विथ मेनी वॉलाटाइल ऑयल ग्लैंड्स। मतलब इसमें नहीं, छिलके में क्या होता है, जैसे कभी कभी नहीं होता छिलका लेके ऐसे उसको फोल्ड करते हैं तो उसमें से कुछ ऑयली टाइप का निकलता है और आँख में हम लोग डाल के भाग जाते हैं ना खेल खेल खेलते समय। तो वो सब क्या हो गया, कोई ना कोई अलग अलग तरह का एसेंशियल ऑयल या वॉलाटाइल ऑयल इसके साथ प्रेजेंट होता है, क्लियर है। उसके अलावा इसमें हस्पेरिडियम में देखो अंदर के तरफ ईपी और मेजो, ये जो वाइट पोर्शन दिखता है ना, ये फ्यूज करके पार्टीशन वॉल बना देता है। इस तरह से क्या करता है, पार्टीशन वॉल बना देता है। और ये एक पार्ट हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑरेंज में निकाल के खाते हैं। तो ये मेजोकार्प खाते हैं, में इंडोकार्प का यहाँ पे लेयर होता है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे हेयरी जैसा जूसी फ्लैशी हेयर होता है ना, ये प्लेसेंटल जूसी हेयर होता है, जो कि एक सिंगल सेल्स को रिप्रेजेंट
करता है, उसी को हम लोग क्या खाते हैं, खाते हैं। इसमें एग्जांपल याद रखना साइट्रस फ्रूट। नेक्स्ट है पॉम। तो पॉम में सेम उसी तरह से क्या होता है, थैलस जो होता है, थैलमस, ये फ्यूज़ कर जाता है पूरे फ्रूट के साथ, फ्यूज़ कर जाता है। तो इस तरह के फ्रूट को कहते हैं पॉम, कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, पॉम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे पेरिकार्प और थैलमस फ्यूज़ किया है। यहाँ पे क्या है, पेरिकार्प प्लस थैलमस फ्यूज़ करके ये दोनों फ्यूज़ कर गए हैं। एग्जाम्पल में एप्पल और पेयर्स, नाशपाती और सेब, ये दो इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके अंदर हो सकता है बाइकार्पल या मंटोकार्पल की कंडीशन हो सकता है, और ओबियसली इसमें क्या है, इन्फीरियर ओवरी, तो ये इन्फीरियर ओवरी जैसे वर्ड आएगा, ये समझ लेना कि ये फॉल्स फ्रूट का टाइप है। क्या है ये, फॉल्स फ्रूट का टाइप है तुम्हारा। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट जो है बच्चा, ये आपका सिंपल फ्रूट का दूसरा कैटेगरी है ड्राई फ्रूट। और इसमें हम लोगों ने देखा कि ईपी कार्प क्या होता है, ड्राई और नॉन फ्लैसी कह सकते हो, और नॉट डिफरेंशिएटेड होता है। जैसे इसमें ग्राउंड नट और मस्टर्ड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, पहले इसका टाइप हम देखते हैं उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हम लोग ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में बांट देते हैं, एक हो गया डेहसेंस, दूसरा हो गया इनडेहसेंस, और तीसरा हो गया साइजोकार्पिक। ठीक है, तो तीन तरह का होता है तुम्हारा, इसमें एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं डेहसेंस। तो डेहसेंस का मतलब होता है बच्चा लोग कि जब फ्रूट मैच्योर होगा, सूखेगा, तो ये फट जाता है। फटने का मतलब स्प्लिट हो जाएगा, जैसे नहीं मटर अगर नहीं ग्रीन है जब सूखता तो अपने आप स्प्लिट हो जाता है। बीन वगैरह में भी सेम यही चीज़ होता है, और जैसे स्प्लिट होता है इसका सीड क्या होता है, डिस्पर्श होता है तुम्हारा, वही है। तो ड्राई फ्रूट्स में भी ब्रोकन ब्रॉक ब्रॉक ओपन एंड ब्रोकन ओपन एंड लिबरेटेड द सीड कॉल्ड द डाइसेंस टाइप। इसमें एक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें एक है लेग्यूम। तो लेग्यूम बेसिकली पी फैमिली में, जब फेबेसी फैमिली पढ़ेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, तो लेग्यूम, तो लेग्यूम्स में यहाँ पे बच्चों जो फ्रूट होता है थोड़ा बहुत इलोंगेटेड होता है, और इसमें दो इस तरह से सूचर्स प्रेजेंट होते हैं स्प्लिटिंग के बाद, और इसके अंदर इस तरह से सीड प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक सूचर ये हो गया और दूसरा सूचर ये नीचे वाला हो गया, ये फट रहा है, स्प्लिट हो रहा है तुम्हारा, यहाँ से स्प्लिट हो रहा है, इसके अंदर हमें ये सीड दिख रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये है लेग्यूम। तो लेग्यूम में क्या होता है, इसमें फ्रूट डेहसेंस डोर्सो वेंट्रली फटता है, और हैविंग टू हाफ्स, दो हाफ्स इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे पी है, बीम है। ठीक है, ये दो मेजर एग्जाम्पल्स हो गए लेग्यूम, लेग्यूम्स का। इसको लेग्यूम्स को बच्चा लोग चाहे तो तुम लोग पी ओ डी पोड्स भी कह सकते हो, पोड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कैप्सूल, सेकेंड नंबर है कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स में यहाँ पे फ्रूट ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी दिख रहा है, ये है आपका कैप्सूल्स होता है। तो यहाँ पे एक एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से किसी तरह का हार्ड कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस कर लेता है कैप्सूल्स के अंदर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज डेहसेंस इन डिफरेंट वे टू लिबरेट द सीड, अलग अलग तरीके से फटता है इसमें सीड लिबरेट करने के लिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल याद रखना, कॉटन है, धतूरा, धतूरा का तो देखा ही होगा, कॉटन भलो ना देखा हो लेकिन धतूरा का तो फ्रूट देखा होगा ना, जब उसको छोड़ोगे तो सूख के इस तरह से फटता है। तो ये बेसिकली धतूरा ही है, ये क्या है, ये धतूरा। इसके अलावा इसमें आपका ओपियम, ओपियम प्लांट जो होता है उसको भी ध्यान रखना, तो इसमें भी कैप्सूल ही होता है तुम्हारा। तो ओपियम के कैप्सूल से ही क्या करते हैं, उसमें अफीम जो है ना निकाला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनडेहेसेंस। ये तो डेहेसेंस था, इनडेहेसेंस मतलब ये जब मेच्योर होगा तो ये स्प्लिट नहीं होने वाला है। तो इफ ड्राई फ्रूट इज रिमेन अनओपेंड एंड लिबरेट द सीड ओनली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ पेरिकार्प, देन इट इज कॉल्ड द ड्राई फ्रूट, देन पेरिकार्प इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरिकार्प, देन द ड्राई फ्रूट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इंडेसेंस कहेंगे। तो इस तरह के फ्रूट को इंडेसेंस कहा जाता है तुम्हारा। तो इंडेसेंस जो फ्रूट है बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ड्राई इंडेसेंस फ्रूट यूजली क्या होता है, सिंगल सीडेड होता है। क्या होता है, सिंगल सीडेड, मतलब इस फ्रूट में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें फर्दर अगर हम टाइप देखते हैं किसका, इंडेसेंस का, तो इसमें पहला आता है आपका कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस में खास बात यह है बच्चों कि इसमें फ्रूट में
जो पेरिकार्प है मतलब फ्रूट वाल और सीड कोट, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाता है, जो कि दिखता नहीं है, पता नहीं चलेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मेज, दूसरा राइस और तीसरा वॉलनट। अगर मान लो तुम्हारे हाथ के ऊपर एक मकई का दाना, मेज का दाना, ग्रेन्स रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये फ्रूट है या सीड है, क्या बोलोगे बच्चा? सोच के बताना। सेम थिंग मेज के लिए चलो बताओ, या फिर वीट के लिए भी बता सकते हो। मेज और वीट, राइस को तो छोड़ दो, मेज और वीट का एक दाना तुम्हारे तलहटी पे रख के पूछा जाए व्हाट इज दिस, ये फ्रूट है या सीड है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? ये जो जवाब बोले सीड, वो सीड नहीं, एक्चुअली में क्या है, वो फ्रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रूट होता है, क्योंकि फ्रूट वाल और जो सीड कोट है वो दोनों आपस में, मेज हो या वीट हो, उसमें इस तरह से क्या होता है, फ्यूज किया हुआ रहता है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, सीड वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। आगे मैं एक डायग्राम आएगा वहाँ पे दिखा भी दूंगा और बोल भी दूंगा मैं, ठीक है? तो कैरियोप्सिस एक और होता है, जिसमें क्या है, अकीन। तो अकीन में भी क्या होता है, इसमें जो फ्यूज़न होता है ये ओनली एट वन पॉइंट होता है। जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रूट वाल और ये है सीड कोट। तो फ्रूट वाल और सीड कोट जो है ना, एक पॉइंट पे आके इस तरह से फ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्यूज़ है, यहाँ पे ये है आपका फ्रूट वाल और ये है आपका सीड कोट। मेज में ये दोनों फ्यूज होके एक सिंगल बना हुआ रहता है, तो वहाँ अलग अलग नहीं होता है। तो इस तरह के फ्रूट को हम कहते हैं अकीन। जैसे मैराबेलिस है, स्ट्रॉबेरी भी है, लेकिन स्ट्रॉबेरी थोड़ा अलग है, तो अलग से देख लेंगे इसको, अकीन हो गया। तो इसको ध्यान रखना है, अकीन। उसके बाद एक और फ्रूट याद रखना है, कैप्सिला। तो कैप्सिला में यहाँ पे बस ये कैरेक्टराइज होता है, पहचाना जाता है परसिस्टेंट ऑफ पेपस। तो पेपस जो है बच्चा लोग, पहले भी बताया था, ये कैलेक्स का मॉडिफिकेशन होता है, इस तरह से हेयरी स्ट्रक्चर बनाता है और ये फ्रूट के डिस्पर्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान, पार्टिसिपेशन, भागीदारी होता है फ्रूट के डिस्पर्शन्स में। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ देखा होगा उड़ता हुआ, है ना? तो ये कंपोजिट फ्रूट में मिलता है, जैसे सनफ्लावर या मैरीगोल्ड जो है उसमें आपको दिखेगा ये सनफ्लावर का सीड है। तो पेपस के वजह से जो हेयरी होता है, इसके वजह से ये क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो सकता है, उड़ सकता है। क्या हो सकता है? उड़ सकता है, उड़ के जाता है, उसी को हम बोलते हैं पेपस। और इस तरह के फ्रूट को हम कहते हैं कैप्सिला कहा जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल में यही दो एग्जाम्पल याद रखना, सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। थर्ड नेक्स्ट जो टाइप है ये है आपका नट, इंडेसेंस में नट। तो नट में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये ट्रू फ्रूट है, ये फॉल्स फ्रूट है ना? ये पेडंकल का मॉडिफिकेशन है। तो ये जो फ्रूट है इसका जो वाल होता है बच्चों, हार्ड होता है। तो काजू को पहले इसको तोड़ के इसमें से बाहर निकालेंगे, तब व्हाइट वाला पोर्शंस दिखता है। उसी तरह से ट्रैपा, ट्रैपा मतलब पानी फल, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो पेरिकार्प है वो हार्ड होता है, स्टोनी पेरिकार्प। तो पेरिकार्प यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि ड्राई फ्रूट में ऐसे भी क्या होगा, ईपी मेजो और इंडोकार्प में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसलिए वर्ड हम लोग पेरिकार्प यूज़ कर रहे हैं। तो पेरिकार्प यहाँ पे हार्ड होता है, स्टोनी होता है। तो एक हो गया कैजुनट, दूसरा हो गया ट्रैपा और तीसरा हो गया लीची। तो लीची को भी याद रखना है कि लीची एक टाइप ऑफ फ्रूट अगर देखते हैं तो ये नट होता है। और इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, इसका एडिबल पार्ट होता है एरिस होता है, एरिश। तो एरिस बेसिकली इंटोगमेंट पार्ट होता है, अभी समझ में नहीं आया, अभी रट्टा मार लो, जब 12th वाला पोर्शन कवर होगा तो उसमें एरिस समझा दूंगा कि क्या होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप ऑफ फ्रूट में। इंडेसेंस के बाद है साइजोकार्पिक। तो साइजोकार्पिक में क्या होता है, यहाँ पे फ्रूट जो है ये स्प्लिट होगा इंटू वन सीडेड बीट्स कॉल द मेरी कार्प, मतलब इस तरह से टूटने के बाद ये फर्दर क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और ये छोटा पार्ट उसके अंदर एक एक सिंगल सीड होता है। और इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट होने के बाद, जैसे मान लो एक फ्रूट था स्प्लिट हुआ और ये चार टुकड़ा हो गया, तो उसमें एक टुकड़ा जो है उसको बोला जाता है, एक पीस जो होता है उसको बोलते हैं मेरी कार्प कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल याद रखना अकेशिया और कैस्टर। अकेशिया मतलब बबूल होता है
ऑर्केस्टर मतलब रेणी होता है, हम लोग के बिहार में इसको क्या बोलते हैं, रेणी कहते हैं, कैस्टर्ड, ठीक है। तो उसी का ये फ्रूट है और इसके अंदर ये जो काला काला दिख रहा है वो सीड होता है, ठीक है। तो भैया ये तो रहा हमारा ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट, दैट इज सिंपल फ्रूट, यहाँ पे आ गया होता है खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एग्रीगेट फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट में पहले जैसा डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या होता है, ये सिंगल फ्लावर से बनता है। फ्लावर क्या होता है, सिंगल फ्लावर से बनता है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, मेनी कार्पल होता है, और ये सारे कार्पल्स क्या होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एपो कार्पस कंडीशन होता है, फ्री वाला कंडीशन होता है, एपो कार्पस दैट इज फ्री वाला कंडीशन होता है, इसमें फ्री होता है तुम्हारा, ओके। तो वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी देखो, मल्टी कार्परी होता है, एपो कार्पस गाइनोशियम होता है, और एपो कार्पस कंडीशन होने की वजह से क्या होता है, ईच कार्पल्स क्या होता है, इज फ्री फ्रॉम द ईच अदर, फ्री रहता है, और जब फ्रूट में डेवलप होगा तो ये फॉर्म करता है फ्रूटलेट। तो एक ये पूरा बड़ा सा फ्रूट और उसमें एक छोटा सा ये फ्रूटलेट, तो फ्रूट का छोटा पार्ट फ्रूटलेट, लीव का छोटा पार्ट लीफलेट, ओवरी का ओवरियोल, उसी तरह से यहाँ पे फ्रूटलेट भी यूज़ किया गया है। अब सोचो यहाँ पे कितने सारे फ्रूटलेट है, फ्रूटलेट फ्रूटलेट फ्रूटलेट, तो इसको हम लोग मिला के कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, इज मेड अप ऑफ द ब्रंच ऑफ द फ्रूटलेट व्हिच इज नोन एज इटेरियो। इस पूरे को क्या कहते हैं, फ्रूट नहीं कहेंगे अब इसको, कहते हैं इटेरियो। तो जैसे इटेरियो बेरी कैजोनट हो गया, उसी तरह से इटेरियो ऑफ अकीन होता है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी में ये जो रेड कलर का दिख रहा है बच्चा लोग, ये है आपका थैलमस जो कि एडिबल होता है। लेकिन अगर इसमें अगर हम लोग देखें, क्या देखते हैं, इसको देखते हैं, ये जो छोटा छोटा पार्ट जो है ना यहाँ पे, ये दाना दाना जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये ही क्या है, यही अकीन फ्रूट है। इसको बोलते हैं एटेरियो ऑफ अकीन। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, एटेरियो ऑफ अकीन होता है तुम्हारा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये एग्रीगेट फ्रूट के कैटेगरीज में रखते थे। यहाँ पे दो एग्जांपल याद रखना, एक तो कैस्टर्ड एप्पल हो गया और एक हो गया स्ट्रॉबेरी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिट फ्रूट। तो ये तुम्हारा थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट के कैटेगरीज में आता है। तो अगर मान लो किसी फ्रूट के फॉर्मेशन में पूरा का पूरा इंटायर इन्फ्लोरेशंस क्या हो गया, पूरा का पूरा इंटायर इन्फ्लोरेशंस इन्वॉल्व हो गया किसमें, फ्रूट डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ फ्रूट को क्या बोलते हैं, कंपोजिट या कंपाउंड फ्रूट्स कहते हैं, कंपोजिट या कंपाउंड फ्रूट्स कहते हैं। जैसे इसमें दो एग्जांपल याद रखना, एक तो पाइनएप्पल और दूसरा है जैक फ्रूट। तो पाइनएप्पल और जैक फ्रूट इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द कंपोजिट फ्रूट। इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये एक फ्रूट है, ये एक फ्रूट है, और इसमें ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये ब्रैक्ट है, और इसके सेंटर में पेडेंकल्स होता है। सेम उसी तरह से कटहल जैक फ्रूट में भी होता है। तो इस दो का कंपोजिट फ्रूट का बढ़िया सा एकदम एग्जाम्पल्स का क्या हो गया, एकदम मस्त वाला एग्जाम्पल्स क्या हो गया, ये पाइनएप्पल और जैक फ्रूट। याद रहेगा दो एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल एटलीस्ट याद करके रखना। पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको याद रखना है ये सब सारी चीज़ें। अगर मैंने कहा है तो थोड़ा सा मैंने पहले बोला कि भाई अपने टीचर पे आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, आपको गुमराह नहीं किया जा रहा, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ये रहा बच्चों फ्रूट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीड भी डिस्कस करेंगे, और अभी एंजियोस्पर्मी फैमिली प्लांट है उसको भी डिस्कस करना है। एंजियोस्पर्मी में तीन फैमिली को कंपेरेटिवली डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसी तरह से कंटिन्यूसली आपको जो बायोलॉजी की सेवा फ्री में दी जा रही है उसका आप लाभ उठाते रहें। और आप चाहें तो बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप मुझे चाहें फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे सोशल नेटवर्क पे, मेरे सोशल साइट पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त। थैंक फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।